अरे हिंदुस्तान हिंदुस्तान, हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, ठीक है, तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकत है। बिल्कुल मोदी जी को मैं बोल रहा हूँ कि 15 सेकंड दे दीजिए आप, बिल्कुल 15 सेकंड दे दीजिए। आप क्या करेंगे, अखलाक का हाल करेंगे जैसा मुख्तार को किया वही करेंगे, या पीलू खान या फिर अपने रकबर, बिल्कुल आप दे दीजिए। मोदी जी के पास अख्तियार है, दे दीजिए 15 सेकंड, 15 सेकंड ने बल्कि 1 घंटा ले लीजिए ना। हम भी देखना चाह रहे हैं कि आप में कितनी इंसानियत अभी बाकी है या नहीं है। दिल्ली में प्रधानमंत्री आपका, RSS आपकी, सब चीज आपका है, करिए, कौन रोक रहा है आपको, बोलते क्यों है, करिए ना, बल्कि हमको बता दीजिए कहाँ पे आना, हम आ जाते हैं। आज एक जनप्रतिनिधि की भाषा सुनकर बड़ा अफसोस हुआ कि सारी मर्यादाएं ताक पर रखकर एक गुंडे मवाली जैसी भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी बताने में असमर्थ है कि उनके जो सांसद हैं इस तरह की भाषा का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, और आज चुनाव आयोग कहाँ सो रहा है। हकीकत ये है कि आज एक जनप्रतिनिधि को ये बताना चाहिए कि जब वो दोबारा चुनाव में जा रहा है कि उसके हर एक 15 सेकंड में उसने अपने क्षेत्र की जनता के लिए क्या किया। उसे बताना चाहिए कि उसके क्षेत्र में 15 सेकंड में कितने बलात्कार हुए और उसका जिम्मेदार कौन था। उन्हें बताना चाहिए कि 15 सेकंड में कितनी नौकरियां गई, उसका जिम्मेदार कौन था। उन्हें बताना चाहिए कि 15 सेकंड में कितने आवारा पशु किसानों की फसल को नष्ट कर देते हैं और उसका जिम्मेदार कौन होता है। 15 सेकंड में कितने पेपर लीक हो जाते हैं उसकी भी जिम्मेदारी उस क्षेत्र के सांसद की होती है। कैसे देखते हमने अकबरुद्दीन अवैसी का भी बयान देखा है और उनके भाई दूसरे जो बड़े वाले अवैसी उनका बयान देखा है। घोर सांप्रदायिक दृष्टि से उनके बयान आते हैं, एक तरीके से वो पूरे जो है एक जाति एक धर्म के विषय की ही बात करते हैं, यह इस लोकतंत्र में घोर आपत्तिजनक है। और देश में भारत का संविधान बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा बनाया हुआ चल रहा है और उसके पूरी तरीके से उस कानून के तहत देश के संविधान सुरक्षित है, और उस तरह के लोग जो कर रहे हैं तो चुनाव आयोग को संज्ञान लेकर कार्रवाई करनी चाहिए। मुकाबला 50-50 का होता है, ये तो 15-15 वाला हो गया है। ध्रुवीकरण, तुष्टीकरण, अब राजनीति यहाँ तक पहुंच चुकी है। देखिए राहुल जी, ये जो मुकाबला तो चल ही रहा है, चुनाव के 2-3 चरण पूरे हो चुके हैं और मुकाबला जारी है, और ये 15 सेकंड कोई गलत नहीं कही। जनता साफ होके 15 सेकंड में कमल का फूल दबा रही है, कमल का बटन जो दब रहा है वो उन अराष्ट्रवादियों पर, वो जितने देशद्रोही हैं, जितने समाज को तोड़ने वाले हैं, समाज में विभोध पैदा करने वाले हैं, विद्वेष पैदा करने वाले हैं, ये भड़काऊ बातें करने वाले हैं, उनके खिलाफ वोट डल रहा है। 15 सेकंड में ही वो काम हो जाएगा जो 2014 से लेकर सिलसिला शुरू हुआ था राहुल जी, 19 में हुआ, अब 24 में होने जा रहा है। तीसरी बार 400 पार का जो नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया है वो साकार होने जा रहा है, और ये वोट और ये वोट से जो चोट इन देशद्रोहियों पर, समाज तोड़ने वालों पर, वही किसे कह रहा है देशद्रोही, वो है जो टुकड़े टुकड़े का नारा देते, जो ये कहते हैं कि जो देश को हम तोड़ देंगे, जो ये कहते हैं कि समाज में किसके रहने का हक है, जो ये बता रहे हैं कि संविधान को किस तरह से तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं, ये लोग देशद्रोही हैं जो केवल एक वर्ग के तुष्टीकरण के लिए। इशारा जेवर खान जी और तारिक खान जी, राजनीति आप लोगों की तरफ है ना, इशारा उनकी तरफ नहीं है, मैं वर्ग विशेष की बात नहीं कर रहा, वर्ग विशेष में नहीं, मैं उस पर भी नहीं, वो पार्टी के प्रवक्ता और नेता के तौर पर बैठे हैं, हम उनकी पार्टी और पार्टी की बात कर रहे हैं, लोग इस तरह उनके नाम पर नहीं जा रहे हैं, जो जो एजेंडा, हाँ मैं कह रहा हूँ कि वो ऐसे लोग सब में छिपे हुए हैं, वो किसी, मैं वर्ग विशेष की बात नहीं कर रहा, इस तरह के लोग सब में हैं और उनके खिलाफ जनमत तैयार हो रहा है, जनमत ठीक है, तारिक खान साहब हैं, और 15 सेकंड में वो काम हो रहा है जो 14 में हुआ, 19 में हुआ, अब 22 ठीक 24 में हो रहा है, और भारत हालांकि 4 मेहमान है, वक्त भी कम रहता है, तो ऐसे में सभी अपनी बात रख पाए। देखिए ऐसा है कि हैदराबाद में जाकर 15 सेकंड वाली जो बात की है, इस पे जो मट्टी डालने की कोशिश कर रहे हैं अमित साहब, ये गड़बड़ कहा उसी सेंस में गया है जो अकबरुद्दीन का बयान था और उसी का एक जवाब भी। उस टाइम में उनके खिलाफ FIR हुई थी, ये 2013 का मामला है जब उन्होंने ये बयान दिया,
इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए यही सब करके, जब प्रधानमंत्री खुद ही मंच से मुसलमानों को कह रहे हैं कि इन लोगों को ये आपका सारा सब कुछ छीन के इन लोगों में बांट दिया जाएगा, ये तो नफरत फैलाना हुआ। और जब लीडर ऐसा तो नीचे वाले उनके चेले भी वैसे ही, उन्होंने भी वही भाषा इस्तेमाल करना शुरू की। अकबरुद्दीन ओवैसी का बयान बिल्कुल गलत था, समाजवादी पार्टी कड़े शब्दों में इसकी निंदा करती है। इस तरीके की बातें समाज को सिर्फ तोड़ती हैं, हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश है ये इनकी। इसलिए इनके खिलाफ भी, अकबरुद्दीन के खिलाफ भी मुकदमा हुआ था और इनके खिलाफ भी मुकदमा होना चाहिए। हम इसकी जबरदस्त डिमांड करते हैं, 15 सेकंड 15 मिनट आपने जनता की कितनी सेवा की ये बताइए, ये नाटक न फैलाइए हिंदू मुसलमान वाला चैनल में, जो किया जा रहा है ये गलत, हम इसकी निंदा। ठीक है, ज़ेबा खान जी, हम देख रहे हैं राहुल जी ये लगातार जैसे जैसे चुनाव का चरण बढ़ते जा रहा है, 3 चरण के चुनाव हो गए, 4th चरण में चला गया, हर रोज एक नया नफरत का बीज को बोया जा रहा है और हर रोज एक नए एजेंडे को लाया जा रहा है। आरक्षण को छीन कर बांट दिया जाएगा, आज एक चैनल पर बैठी हुई की आबादी बढ़ते जा रही है, कल आया था कि राहुल गांधी जी को काले धन जो है अडानी अंबानी टेम्पू में भरकर ला रहे हैं, कभी मंगल सूत्र छीन कर दे दिया जाएगा। अब 2013 के बयान पर ये नौनी ताना दे रही है, दोनों ही गलत है, ऐसा तो मैं निंदा करती हूँ। और जो चुनाव है आप सूत्रे महंगाई बेरोजगारी महिला सुरक्षा, हालांकि आप आपको फिर कनेक्ट करेंगे ज़ेबा जी, टेक्निकल दिक्कत है। मोहम्मद फरहान जी, सवाल इस बात को लेकर है कि ये तो चुनावी मुद्दा हो सकता है, चुनावी बयानबाजी हो सकती है, लेकिन असलियत क्या है इसके पीछे, ये भी जानना बेहद ज़रूरी है। क्या वाकई तुष्टिकरण ध्रुवीकरण की राजनीति है या एक दूसरे के विषय में ऐसा सोचते ही हैं? हालांकि AIMIM को बीजेपी का बी टीम भी कहते हैं सर। देखिए एक बात जान लीजिए राहुल भाई जी, कि जब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने बयान दिया था 15 मिनट के लिए पुलिस हटाने वाला, वो बयान देश के हर बच्चे को भी याद है, तब उस टाइम केवल भारतीय जनता पार्टी अपना माथा पीट रही थी और सीना पीट रही थी कि अरे बाप रे बाप इन्होंने क्या कह दिया है, अरे ये तो कुल बहुताय पर प्रहार है और ये उग्रवादी लोग हैं, ये जिहादी लोग हैं, ये तो क्या नाम है देश को ख़त्म कर देंगे। टीवी चैनल पर आकर पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम खड़ी हो गई थी और अकबरुद्दीन ओवैसी ने बयान दिया था, MIM पार्टी ने बयान दिया था और कटघरे में पूरे मुस्लिम समाज को खड़ा किया जा रहा था, पूरे मुस्लिम समाज को खड़ा किया जा रहा था, बात इस बात की है। अब आज 15 मिनट इतने दिन में घट करके, ये देखिए 15 मिनट इतने दिन में घट करके 15 सेकंड पर आ गया, तो आज भारतीय जनता पार्टी अपना पल्ला झाड़ ले रही कि नहीं भाई हमको इस बयान से कोई लेना देना नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा कि नवनीत राणा का बयान गलत है कि नहीं गलत है? अगर उस वक्त अकबरुद्दीन ओवैसी का बयान गलत था तो आज की डेट में नवनीत राणा का भी बयान गलत है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि भाई बहन की जोड़ी है, भाई बहन की जोड़ी है, दोनों ने आधी आधी रोटी नफरत की तोड़ी है। ये नफरत की रोटी तोड़ने का काम है और अपनी दुकान को चलाने का काम है भाई बहन की जोड़ी। नवनीत राणा के खिलाफ इलेक्शन कमीशन स्वतः संज्ञान लेकर के इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कराए। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, एक बात और राहुल जी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको रेखांकित कर रहा हूं। नवनीत राणा ने जब बयान दिया उसके बाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, जो कानून संविधान और न्याय के दायरे में रहकर बात करने वाले व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं, उन्होंने देखिए मौके को कैसे चौका मारा, उन्होंने फौरन उसको एक्सेप्ट कर लिया कि आओ मैं तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहा हूं ताकि वोट का ध्रुवीकरण पूरे देश के अंदर हो जिससे भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिले। ये भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए यही पूछना चाह रहा था, यानी कि आपस में ही खेल रहे हैं अनिश त्यागी जी आप लोग। राहुल जी ये बात इनकी सोच हो सकती है, हम खेल रहे हैं आपस में खेल रहे हैं, हम भाई बहन की जोड़ी है विकास पर,
ये भाई बहन की जोड़ी जो देश में करती फिर रही है उसको विकास पर नहीं खेल रहे हैं, आप खेल रहे हैं विनाश पर, भाई बहन की विनाश पर खेल रहे हैं, विनाश एक मिनट, किस तरीके से देश में सांप्रदायिक माहौल को खड़ा किया जाए, किस तरीके से हिंदू को मुसलमान में बांटा जाए। मैंने आपकी बकवास सुनी थी, आपका प्रवचन सुना था, अब आप शांत रहिए, हम खेल रहे हैं विकास पर और जनता उसे स्वीकार। ये 2014 से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से राजनीति का रूप बदला है, जिस तरह से विकास की राजनीति, किस तरह से विकास की राजनीति, नहीं देखिए एक चीज और, त्यागी जी आप विकास विकास कहिए, आप विकास विकास कहिए, लेकिन ये देखिए उससे हालात ये है, त्यागी जी आप विकास विकास कहिए ठीक है, लेकिन एक मिनट फरहान जी, लेकिन ये कहा जाता है कि बीजेपी जो की हिमायती नहीं है मुसलमानों की, ये बताया जाता है, और आप कहते हैं सबका साथ सबका विकास, फिर चुनाव तक चीजें आ जाती है ध्रुवीकरण वाली, मुसलमानों की बात करने वाली चीजें सामने आ जाती है, ये आरोप लगते रहे आप पर, आपकी पार्टी पर। ये आरोप वो लगा रहे हैं जिनके पास मुद्दे नहीं है, जिनके पास कुछ तथ्य नहीं है, जो तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के शासन में, मैं उत्तर प्रदेश का भी जिक्र करूंगा और केंद्र सरकार का, सारी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के, बिना भाईवाद भाई भतीजावाद के, बिना परिवारवाद के, बिना क्षेत्रवाद के, सबको समान मिला है। मुस्लिम्स को अच्छा, इतना काम हुआ है, इतना किसी को नहीं सही हुआ, है, गलत हर वर्ग को लाभ मिला है, जन कल्याण के बयान का समर्थन करते हैं, पूछ लीजिए, इसलिए विकास की योजनाओं पर, विकास पर है, चलिए विकास पर आइए बात कर लेते हैं। राहुल जी फरहान जी, उस पर नहीं बात हो रही है, आज राहुल जी उस पर नहीं बात, किस मुन्नी पर है वो अपने आप में, तारिक खान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, खान साहब जिस तरह से त्यागी जी भाई विकास पर बहस है, एक मिनट पर बहस है, विपक्ष केवल तमाशा बजा रहा है और मुद्दे तारिक खान साहब यह, और जिसपे हर एक हिंदुस्तानी, देखिए हिंदू मुसलमान हर एक हिंदुस्तानी को उस पर ऑब्जेक्शन होना चाहिए, क्यों? क्योंकि सब बराबर। आप ये कहते हैं कि आपने योजना में भेदभाव नहीं किया, आप कर सकते, जब टैक्स दिया जनता ने तो क्या टैक्स देने में किसी ने भेदभाव किया? क्या टैक्स में ये कहा जा सकता है कि कोई ज्यादा दे दे कोई कम दे? और जब उसने टैक्स दिया, नहीं तो यही बात तो कही जा रही है, जो बीजेपी कह रही है कि कर्नाटक में आप लोगों ने तो आरक्षण दे दिया मुसलमानों को, हक मार रहे हैं वहां, नहीं एकदम नहीं, कर्नाटक में सबसे पहले आरक्षण हरदन हल्ली टोटा गौड़ा ने दिया था, एचडी देवगौड़ा, पूछे उनसे 95 में 94 में रिपोर्ट आई, जो हलनौर कमीशन था उसकी रिपोर्ट के आधार पर 94 में कांग्रेस ने डिसीजन लिया, 94 में सरकार गिर गई, 95 में देवगौड़ा मुख्यमंत्री हुए, 4% मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया, जो जातियां वहां पर है उससे डबल जातियां 70 गुजरात, और एएमयू की कोई बात ही नहीं करता कि यहाँ SC ST या OBC रिजर्वेशन मिले। देखिए अगर कोई ओबीसी है साथ में मुसलमान भी है तो वो क्या अपना मुसलमान का स्टेटस छोड़ दे? ये बताइए, अगर जब मंडल कमीशन की सिफारिश लागू हुई तो मुसलमान की भी बैकवर्ड जातियों को ओबीसी में डाला गया और अलग अलग स्टेट की लिस्ट बनी, नहीं धार्मिक आधार पर है क्या लिस्ट में? यही चुनाव में यही बातें टूट रही है, यही तो हिंदू मुस्लिम हो रहा है, अगड़ा पिछड़ा ऊंच नीच यही सब तो हो रहा है, 15 सेकेंड 15 मिनट बिल्कुल, तो तथ्य तो सामने आने चाहिए ना, तो आप गुजरात से जो ओबीसी को आप रिजर्वेशन दे रहे हो वहां 70 कैटेगरी बना रखती है, उसका क्या करेंगे फिर आप? हरियाणा में आपकी सरकार है वहां ओबीसी मुसलमानों को डाल रखा है, कोई इंसान धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए, संविधान में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन अगर वो बैकवर्ड भी है और साथ में वो मुसलमान भी है तो वो अपना मुसलमान होना। फरहान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, ठीक है फरहान साहब बोलने दीजिए, बोलिए फरहान भाई। आज की जो बहस है वो बहस है नवनीत राणा ने जो 15 सेकंड के समय मांगा है। हेलो आवाज आ रही है, दोनों भाई कहा जाएंगे कहां आएंगे पता नहीं चलेगा, पर बहस है कि नवनीत राणा ने किस तरीके से आप लोगों का मुद्दा देखिए, फरहान साहब मैं क्लियर कर दूं, मैं क्लियर कर दूं ये बयान किस लिए दिया गया है, इसलिए ना कि तुष्टिकरण ध्रुवीकरण की राजनीति हो, हिंदू मुसलमान हो, फरहान जी आप मानते हैं सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़े हिंदू मुस्लिम बिगड़े, सुनिए हिंदू मुस्लिम हो दंगा हो बेगुनाहों का कत्ल हो इसलिए बयान दिया गया है, नहीं और भारतीय जनता पार्टी वाले बैठकर विकास और मुन्नी खेल रहे हैं, आप उनको बुलाए हैं पूछने के लिए कि ये नवनीत राणा का बयान सही है या गलत है, इस पर नहीं कर रहे हैं, विकास विकास खेल रहे हैं।
अपने घोषणा पत्र में ये कहती हो कि मुस्लिमों में बांटती जाएगी, जो ये करती हो, जो एक वर्ग विशेष के अपराधियों को भी संरक्षण देती हो, उन लोगों को सोचिए, उनको पूछिए कि वो किस तरह से अपने घंटे वाले बयान में वो किस तरह से नवनीत राणा खातर नवनी एक वर्ग विशेष की पुष्टिकरण में लगे हैं। नवनीत राणा पर रहिए, सही है सही। नवनीत राणा पर आप बात नहीं कर रहे, नवनीत राणा से हट करके आप सारी बात कर रहे हैं, क्योंकि पता है आपको उन्होंने गलत बयान दिया है। आप पूरी भारतीय जनता पार्टी को उस बयान के लिए माफी मांगना चाहिए, देश से माफी मांगना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए उन लोगों को। आप इतने सीनियर नेता हैं होकर आप नवनीत राणा के बयान का समर्थन कर रहे हैं, जो हर वक्त मतलब आपका मतलब ये है कि ये जो बयान है नवनीत राणा का बिल्कुल सही बयान है, ये किस तरह से ये बयान सही है, किस तरह से ये बयान सही है तोड़े और कि 15 मिनट के लिए तोड़ने वाले लोगों को 15 सेकंड के लिए हटा दो। नहीं, 15 सेकंड में तो कुछ नहीं हो पाएगा, आप भी जानते हैं। फरहान साहब करने वाली नहीं है, ये केवल बयान है, हालांकि 15 मिनट में हो सकता था। ठीक है, जेवा खान जी नहीं, राहुल जी बहुत दुखद है। अच्छा, 15 मिनट में हो जाएगा। युवाओं का बेरोजगारी मुद्दा होना चाहिए, किसानों की समस्याएं मुद्दा होना चाहिए, देश में किसान आत्महत्या ने कह दिया तो भाई बातें खत्म। नहीं और महिला राहुल जी मुद्दे खत्म हो गया। जेवा खान जी कर्नाटक में प्रज्वल रेवन्य जैसे खत्म वो देश जाते हैं उस राहुल भाई मुद्दे खत्म हो गया। आपने ऐसी बात कह दी, मैं क्या कर सकता हूँ, देश को गुमराह किया जा रहा है इन इस तरह के नफरत वाली बातों में फंसाया जा रहा है, क्योंकि 400 के पार का हवा निकल चुका है। कांग्रेस क्यों नहीं, कांग्रेस क्यों नहीं इस पर प्रश्न पूछती? देखिए, जब आप बोल रहे थे तो मैंने कुछ नहीं बोला। 400 पार 15 सेकंड पर होगा, 400 पार अब की बार 15 सेकंड के बयान पर होगा। नहीं फरहान जी, तो फिर वही बात आ जाएगी कि बीटी 400 पार 15 सेकंड आपस में खेल रहे हैं। 15 सेकंड के बटन दबाने पर और जनता कमल का बटन दबा रही है, चारों तरफ दबा रही है, 400 पार के रुझान साफ है, 400 पार 15 सेकंड हो रहा है, फिर मोदी सरकार आ रही है, 15 सेकंड में बटन दब रहा है कमल का, और कमल का बटन दब रहा है जनता की संतुष्टि पर, जनता का प्यार भारतीय। एक चीज ये बता दीजिए हिंदू मुसलमान फरहान जी, बहुत एक मिनट, एक त्यागी जी, फरहान जी, हिंदू मुसलमान इस देश में किसने किया है? मैं आपसे जानना चाहता हूं कि हिंदू मुसलमान करता कौन है? आप जैसे सियासी दल है वो करते हैं। हिंदू मुसलमान दो लोगों ने किया है, सुनिए, हिंदू मुसलमान सुनिए, हिंदू मुसलमान दो लोग इस देश में करते हैं, बड़ी मजबूती के साथ करते हैं, और उन्हें ही करने की पूरी छूट है इस देश में, बाकी तीसरे किसी को करने की छूट नहीं है। अगर कोई करेगा तो उसके लिए जेल है। अब वो दो लोग कौन है, हमें आपको नाम लेने की आवश्यकता नहीं, नहीं तो आप बता दीजिए ना, जब बात कर रहे हैं खुल के तो खुल के। 15 मिनट बनाम 15 सेकंड है, 15 मिनट बनाम 15 सेकंड, हम बता तो रहे ना, बात खुल के तो कर रहा हूँ। यानी कि बीजेपी और एआईएमआईएम मुस्लिम कर सकते हैं मजबूती के साथ, एआईएमआईएम और बीजेपी 15 मिनट बनाम 15 सेकंड, मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी नहीं कर, 15 मिनट बनाम 15 सेकंड ही, विपक्ष 15 मिनट बनाम 15 सेकंड ही लोग हैं जो इस देश में इनको लाइसेंस है हिंदू मुस्लिम करने का, क्योंकि उनके 15 मिनट बनाम 15 सेकंड वालों को ही लाइसेंस इस देश में मिला हुआ है कि हिंदू मुस्लिम करिए, बाकी कोई करेगा तो अंदर किया जाएगा। सेवा खान जी की पार्टी नहीं करती आपके मुताबिक, फरहान जी कांग्रेस नहीं करती, समाजवादी पार्टी नहीं, चुनाव प्रचार करने के लिए बैठ के डिबेट में। मैं पूछ रहा हूँ फरहान जी, हम ये कह रहे हैं, सुनिए, सुनिए, ये जो मैं बता रहा हूँ, मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। अब देखिए जेबा जी कूद पड़ी है, अब देखिए आपने नाम ले लिया कांग्रेस का, जेबा जी हाजिर है, शांत हो गई फरहान जी, जेबा जी आवाज आ रही है, फरहान जी शांत हो गई, जेबा जी देखिए कांग्रेस ने जितना करना था कर लिया। हाँ मुझे आवाज आ रही है आपकी, देखिए कांग्रेस ने राहुल जी जितना करना था उतना कर लिया, अब कांग्रेस के पास अपना खुद कुछ नहीं बचा हुआ है,